सो हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। दोस्तों आप सभी का मेरे इस नए वीडियो पे स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किसी क्लास या किसी चैप्टर या किसी मेथड के ऊपर प्रिपरेशन नहीं करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे कि हमें एक प्रॉपर तरीके का जो पढ़ाई करने का जो तरीका है वो क्या होता है, एंड अगर हम लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं तो लंबे समय तक पढ़ने का क्या तरीका है, किस तरीके का उपयोग करके हम लंबे समय तक पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से यही जो ट्रिक है, जो तरीका है वो शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी के साथ वो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि हमें अपने जो हम स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अपना रूटीन कैसे बनाना चाहिए जिससे हम लंबे समय तक पढ़ सकें, और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, कहाँ पे हमें स्टडी करना चाहिए, तो सभी चीज़ें की इंफॉर्मेशन मैं आज के इस वीडियो पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखते रहिए ताकि आप सभी को जो मैं इंफॉर्मेशन बताऊंगा वो चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो घंटी का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी से ऐसे एक भी मिलो मिस ना हो। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमको अपना जो रूटीन है वो मॉर्निंग से शुरू करने के लिए जल्दी उठने का प्रयास करना है। दोस्तों आप जितना जल्दी बेड को बिस्तर को छोड़ने का कोशिश करेंगे, जितना जल्दी आप उठने का प्रयास करेंगे, आपका जो काम है वो प्रॉपर तरीके से सही समय पर होने लगेगा। तो इसलिए आप जल्दी उठने का कोशिश करें। जैसे आप प्रॉपर तरीके से उठते हैं, आपने पानी पीना है, फ्रेश होना है, वो चीज़ें करने के बाद आपने योग करना है, एक्सरसाइज करना है, तो योग कौन सा करना है उसे भी सुन लीजिएगा। दोस्तों आप सभी ने सूर्य नमस्कार के बारे में सुना ही होगा एंड किया भी होगा। सूर्य नमस्कार स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा एक योग है, एक एक्सरसाइज है जो आपको करना ही चाहिए। स्टूडेंट्स को खासकर सूर्य नमस्कार करना ही चाहिए। तो आपने सुबह उठना है जल्दी एंड एक गिलास पानी तो पीना ही पीना है। उसके बाद फ्रेश हो जाने के बाद अपने को सूर्य नमस्कार या अन्य एक्सरसाइजेज योगा करना ही है, मेडिटेशन, क्योंकि इससे ना हमारा जो आईक्यू लेवल का जो क्षमता है वो बढ़ता है, इसलिए हमें योग करना है। ये तो रहा, उसके बाद हमको नहा धो के फ्रेश होना है और फ्रेश होने के बाद हमको पढ़ने बैठना है। तो पढ़ने बैठने का जो तरीका है वो क्या होता है बता रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं, बिस्तर में पढ़ते हैं तो वो गलत तरीका है, जमीन में भी बैठते हैं वो भी एक तरीका सही है, लेकिन आपको अगर प्रॉपर लंबे समय तक पढ़ाई करना है तो आपको टेबल या तो बेंच या कुर्सी में बैठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम सीधा बैठते हैं ना तो मतलब वहाँ पर हम सही तरीके से पढ़ पाते हैं, टेबल हो या कुर्सी हो या बेंच पे। इसलिए स्कूलों में इन सब चीज़ों की सुविधा रखी जाती है। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। अगर आप अपने साथ पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल को तो दूर रखो, पानी का बॉटल या पानी का गिलास अपने साथ रखना है, एंड जैसे आप पढ़ाई करते हो तो बीच बीच में पानी पीना है। ओके, एंड जैसे एक घंटा पानी हो गया, एक घंटा आपने पढ़ाई कर ली तो एक घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, कहीं बाहर से घूम के आ जाना है, फिर उसके बाद बैठने बैठना है, फिर पढ़ना है, और जैसे एक घंटा होता है फिर से ब्रेक लेना है। तो इस तरीके से ब्रेक ले लेकर के जब आप पढ़ोगे तो आप लंबे समय तक पढ़ सकते हो। ये होता है पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका। अगर आपने लंबे समय तक पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाना है ना तो यही होता है कि आप पढ़ने बैठ रहे हो तो एक घंटा पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो, और उसके साथ साथ पानी तो लगातार पीते रहना है हमें, एंड गाइस, और पढ़ने की चीज़ें उनको दिन में करो एंड सॉल्व करने वाला जो चीज़ें उनको नाइट में करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें।
तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको मेडिटेशन या सूर्य नमस्कार करना ही चाहिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है आप सभी के लिए। एंड पढ़ना है तो पढ़ने का प्रॉपर तरीका वही होता है, तो टेबल कुर्सी लगाओ, अपना एक स्टडी कॉर्नर बनाओ और वहाँ पर पढ़ने बैठो, और एक दो घंटा पढ़ाई करो तो 5 मिनट का ब्रेक लो, लगातार अपने साथ पानी का गिलास रखना एंड पानी पीते रहो, ठीक है। और उसके अलावा जो पढ़ने की चीज़ें हैं उनको दिन में करो, और सॉल्व करने का जो मैथ्स है उसको नाइट में करना चाहिए, ये चीज़ें हैं। इसके साथ आप बेस्ट रिजल्ट पा सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आपने उन लोगों के फ्रेंड सर्कल में रहना है जो पढ़ाई लिखाई या फ्यूचर से रिलेटेड बातें करते हैं। देखिए, हम उन स्टूडेंट के साथ रहते हैं जैसे अपना अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर उस सर्कल में रहेंगे तो हम भी उसी सर्कल में जाएंगे और अपना पढ़ाई लिखाई भी अच्छा होगा। तो इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि हमको या तो अगर आपको फ्रेंड सर्कल ऐसे नहीं तो आपको अकेले रहना है, अकेले ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर पढ़ाई करने का जो तरीका है लंबे समय तक वो यही है कि अगर आप लंबे समय तक पढ़ना चाह रहे हो तो टेबल कुर्सी है, स्टडी कॉर्नर है, वहाँ बनाओ और पढ़ो, एक दो घंटे तक पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। और मोबाइल जो डेस्टिनेशन हो तो उसको दूर रखो अपने, ठीक है। और इस तरीके से पढ़ना है। एंड याद करना है तो याद करने का भी एक मेथड होता है जिसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे आप सभी के लिए, ओके। अब मैं बात करता हूँ इन सब चीज़ों के अलावा, हमने जो चीज़ें आप सभी को बताई है कि आपको पढ़ना कैसे लंबे समय तक, तो वो चीज़ आप फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर जो है कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे आप सभी को अपना स्टडी कॉर्नर भी ज़रूर बनाना चाहिए जहाँ पे आप एक तरीके पढ़ सकें, ठीक है। तो एक अपना स्टडी कॉर्नर ज़रूर बनाइए, ठीक है। तो ये है, अगर आपने लंबे समय तक पढ़ना है तो आप ये टिप्स ज़रूर फॉलो कर सकते हैं और आपको इसका बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। वैसे आप सभी को आज की ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल पे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करो एंड घंटी के आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप सभी से ऐसी एक वीडियो मिस ना हो। एंड गाइस, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने टारगेट पर फोकस कीजिए एंड अच्छे से पढ़ाई करो। वैसे स्कूल भी ऑन हो चुके हैं तो आप सभी के लिए मैंने ये वीडियो इसलिए लाई कि आप प्रॉपर तरीके से अच्छे समय से पढ़ाई करने की जो टिप्स है वो शेयर करेंगे तो आप उसको फॉलो करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी को कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे इस चैनल फ्रॉम JP यादव।